हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अरबी के पत्ते के रोल यानी पाथरा बनाएंगे। पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में करीब 2 कप बेसन, 2 स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और पानी डालते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार हो चुका है। ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी पकौड़े के घोल जैसी होनी चाहिए। अब हम रोल की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम अरबी के पत्ते लेंगे। अब इन्हें पानी से साफ कर लेंगे। ध्यान रहे इस तरीके से सारे पत्तों के डंठल तोड़ लेंगे। और सभी पत्तों को पानी से अच्छे से धो लेंगे। अरबी के पत्तों को इस तरीके से रखेंगे कि डार्क ग्रीन वाला सरफेस नीचे रहे और लाइट ग्रीन वाला सरफेस ऊपर। अब अरबी के पत्तों के ऊपर घोल को चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर एक और अरबी का पत्ता रखेंगे जो साइज में थोड़ा छोटा हो। ध्यान रहे हम दूसरे पत्ते को पहले पत्ते के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। और इसे भी बेसन के घोल से अच्छे से कोट कर लेंगे। ये अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसके ऊपर इसे छोटा पत्ता रखेंगे। हम तीसरे पत्ते को थोड़ा तिरछा करके रखेंगे और इसे भी बेसन के घोल से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब एक और पत्ता रखेंगे। और इसे भी बेसन के घोल से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे।
इसी तरीके से बाकी रोल भी तैयार कर लेंगे। रोल बनकर तैयार है, हम इसे स्टीम करेंगे, जिसके लिए हमने पहले ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक छन्नी लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर छन्नी रख देंगे। अब एक एक करके सभी रोल्स को छन्नी के ऊपर रखते जाएंगे। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसे बीच में 10 मिनट के बाद एक बार पलट लेंगे। इसे दोबारा से ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। और अरबी के रोल भी पक चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद काट लेंगे। अरबी के रोल ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखिए हमें इस तरीके से काटना है। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें रोल को डाल लेंगे। और मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें ऊपर से नींबू का रस डालेंगे। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। पात्र बन चुका है, अब गैस बंद कर देंगे और उसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। पात्रा बनकर तैयार है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।